आमर स्वतंत्र उपस्थापना रक्त सुरक्षा कवच को स्वागत करुछे मुनिवेता दर्शबंतु विशेषज्ञ विशेष करी कहउछन जे तृतीय लहर संपूर्ण शरीर तेणु तृतीय लहर भी आसीबो जेउथरे कि अधिक शिशु संक्रमित हेबे तेणु समस्त को सचेतन हेबाकु पड़िबो एवं समस्त को सचेतन हेले ही आमे यार मुकाबला करि परबा विशेष करी आपण देखुथिबे जे शिशु माने अधिक मात्रा रे संक्रमित हेबार जा संभावना देखा जाउछ ओ एपरि स्थिति रे राज्य सरकार दैनिक जदि देखिबे आपण 1 रु 18 वर्ष मधे आक्रांत को संख्या मध्ये प्रकाश करछन प्रश्न रही कोरोना संपर्कित कौन प्रश्न रही यदि आप भयभीत अच्छा तेज कमी या मुकाबला कहीं स्थित जदिओ किसी मात्र स्वाभाविक होती कोर्ट ना कौट एवं पूरा स्थित सुधरी गला एक कहुई नपे तेणु जदि आप चाहते आमको कल करने कौन परामर्श आप लोड़ तेज 8 7 6 3 2 7 4 8 9 4 आउ थे नंबर टी कही रखु 8 7 6 3 2 7 4 8 9 4 जो नंबर टी आम स्क्रीन में फ्लाश होने नंबर में आपको जोजोग करूँ आम सहित डाक्टर स्मरजित पट्टनायक आम सहित अच्छा जेकि ओडिया समाज दिल्ली पैनल सदस्य अच्छा सहित आपड़ पूरा पूरी सीधा सख कथे फोन जोगे जो कौन भी प्रश्न आपण मन में उके मारूँ कोरोना को नहीं आप प्रश्न करेंगे आम आप निकट में किसी डाटा रखा चाहूँ जो डाटा जे आप देखिपे आपण देखिपे जो भाई भाव जो डाटा आम आप देखा ये जो डाटा रही किभली भावे जो भाई मैप दर्शा जाइए जो मैप्रे रही के संक्रमित रही के मात्रे तीनो भाग में विशेषकर विभक्त कर गोटे हूँ ग्रीन जोन अंटी हूँ रेड जोन और अंटी हूँ येलो जोन तीनो भाग में विभक्त करदियों ग्रीन जोन में सब अधिका जिला रही कि कौटना कौटी स्थित संपूर्ण भाव में स्थित पूरा सुधुरी जाए एक कहुए नपे तेणु आप देखिपे जो मैप आम आपको देखा मैप्रे पूरा चित्र रही आरी मध्य आम आउ ग्राफिकली आम आपको देखा जे के मात्रा एपर्तंत संक्रमित रही एज वाइज विशेष कर रखा जाए जे सोन रो विशेष कर देखिए चारोटी भाग में विभक्त करा जाए येलो रही रेड रही आसत ग्रीन रही स्काय रही चारोटी भाग में विभक्त करा जाए विशेषकर चारोटी भाग मध्य यदि आप ग्रीन देखिए जो थे कि 1 रु 18 वर्ष रही पाखापाखी 1 रु 18 वर्ष मध्य 83,545 रही जो मैंने संक्रमित एवं यार मध्य स्काय रंग जो रही 18 रु आप देखिए क्षमा करेंगे 19 रु 40 वर्ष रही जो थे कि 5 लक्ष ऊर्ध संक्रमित एवं भी आक्टिव रही रेड विशेषकर जब आप देखिए 41 रु 60 वर्ष रही रेड जोन विशेषकर जो आम ग्राफिकली आम आपको देखा जो रेड जोन में पाखापाखि 41 रु 60 वर्ष पर्यंत रही से 3,13,075 रही संक्रमित एवं विशेषकर येलो येलो जो रही हलदिया भागटी आप देखिपे जो थे कि 60 रु ऊर्ध मध्य रही आउ एक ग्राफिकली आम आपको देखा जो क्यों क्यों जिले में कैसे रही यदि आप देखिए खोर्धा जिले में 286 रही 3 रही मृत्यु संख्या यार मध्य आप देखिए कटक कथा देखो कटक पाखापाखि 140 रही 13 रही मृत्यु संख्या और जगत सिंहपुर 32 रही आज पॉजिटिव रेट और 13 जन रही मृत्यु संख्या अर्थात कौट ना कौटे मृत्यु संख्या बढ़ुच्छी विशेषकर अनुकूल कथ आप देखते 29 रही संक्रमित और यार मध्य 8 जन मृत्यु होती केन्द्रापड़ा जदि आप देखते तब केन्द्रापड़े कौन से कम नुहे केन्द्रापड़ 21 संक्रमित रही बेले 8 जन मृत्यु होती तेणु कौट ना कौटी संक्रमित संख्या बढ़ुं मृत्यु संख्या बढ़ुच्च तेणु स्थिति पूरा स्वाभाविक होगला एक कहुए नपनी निहांती भाव में जो स्थिति वर्तमान रही जो संक्रमित वर्तमान समय चिन्हट होती निहांती भाव में चिंताजनक कथा तेणु पूरा स्थिति स्वाभाविक होगला एक कहुए नपनी यार मतलब तृतीय लहर कथा कहुए विशेषकर तृतीय लहर जो छोट छोट छुआ रही कुनी
ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ଦିଆଯାଇନି ତେଣୁ ବେଶୀ ସଚେତନତା ଏମାନଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଯାବତ୍ ହୋଇନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଥାର୍ଡ ଲହର କେବେ ଆସିବ କେତେ ସଂକ୍ରମିତ କରିବ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଯଦି ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ନଜର ପକାଇବେ ତେବେ କରୋନାର ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଣି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଶୁଣି ନେବା ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ନଥିଲା ଆମେ ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ଭେଣେଇ ଜଣେ ସୁନାଶିଷ ଜେନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଜଣକୁ 30 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଦେଖାଉଥିଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଡେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଭଲ ହେଇଆସିଲା ତାପରେ ଡେଲି ଡକ୍ଟର ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଯାହା ହେଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ରହଣକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମାଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ସିଏ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ପଠାଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ତା'ର ଆମେ ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣିକି ଖାଇଥିଲୁ ମା' ବି ଖାଇଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭଳିଆ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଖାଉଛୁ କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ମୁଁ ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଭଲ କଥା ଯାହା ବି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଠିକ୍ ତଦାରଖ କଲେ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବି ତଦାରଖ କରୁ ମୁଁ କରୋନା ଏବେ ମୁକ୍ତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କରୋନାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସ୍ମରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲେଣି ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯଦିଓ ପୁରାପୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଗଲାଣି ଏକଥା ଆମେ କହିବାନି ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସ୍ଥିତି ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିନି ଆଉ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ଲହର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଲୋକ ଏବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ପୁରାପୁରି ଚାଲିଗଲା ସବୁକିଛି ଠିକ ହେଇଗଲା ନମସ୍କାର ଆମର ଯାହା ବି ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଆୱେରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ମାନେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପରିବାର ଭଳିଆ ରହି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କାରଣ ଏଥିରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ବହୁତ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ଏବଂ ରହିଲା ଆମର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଉଛେ ଟିଭି ହେଲା କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ଆମର ଆୱେରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମତଃ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସୁଛୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ହାତ ସଫା କରିକି ରଖନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ମାସ୍କିଂ ଡବଲ ମାସ୍କିଂ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାନେ କିଛିଟା ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଜଣ ଜଣ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଯେତେ ସମୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ସେତିକି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣର ବୟସ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ପାଇବାକୁ ଉଚିତ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକା ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ କୋଉ ଟିକାଟା ଭଲ ସବୁ ଟିକା ହିଁ ଭଲ ଏବଂ ସବୁ ଟିକା ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା କରୁଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆପଣ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଟିକା ନେଇଗଲି ଯେ ମୋର ଆଉ ଏଥିରୁ କୋଭିଡ ହବନି କିମ୍ବା ମୁଁ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବୃତ ରହି ହେଇଯିବି ଟିକା ନେଲେ ବି ଆପଣ
जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी आम कहे मानते कोविड न होगापी जहाँ जहाँ आम बेसिक जिनस गुड़िक प्रथम दु वर्ष हैलाचु आपचय शुणी से गुड़िक हृदयंगम करूँ और से गुड़िक निज जीवन में पालन करूँ कारण आपण जो छोट पिटार अच्छा जो मैंने यंग अच्छा शिशु अच्छा जो मैंने कि 18 वर्ष बयस कम अच्छा जो मान को आम वैक्सीन जाए दे पारू एवं से मानकर रक्षा करने आमको भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करिया पड़ो एवं आम छोट पिता फोर्स करें मास्क पिंधतु कि एटलिस्ट आम शिखे पार भल अभ्यास स्कूल कलेज खोली गला बर्तमान खोली जा विषय भी सरकार एकदम निजर नजर रखिंट कारण जहाँ शुणा पाँच किद प्राय शहे ऊर्ध पिला भुवनेश्वर भी तीन टा स्कूल किसी शिक्षक मान को ये इनफेक्शन है तेणु से विषय आमको बर्तमान आम जो जो पेरेन्ट्स मान सोसाइटी अच्छी से मैंने सब चाहते कि आउ किद हम स्कूल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा जाए पार हे तो छसे कि 15 दिन हे तो भल हाँ बट से गवर्नमेंट तार निष्पत्ति ने गवर्नमेंट से देखुं एकदम नजर रखिंट कितने कौन इनफेक्शन स्प्रेड होती होता कमी कंटेन करें विषय भी शिशु अधिक प्रभाव पकड़ो जीरो रु 18 वर्ष टीका से दि जाए साधारण भाव में भावु जेहेतु टीकाकरण है छोट पे मोर ससेप्टेबल से भाविया कथा कि मोर एफेक्टेड हम कि कौन सी साइंटिफिक किंबा कौन सी आम एपिडेमोलॉजिकल स्टडी किंबा सर्वे है कि थर्ड वेव जोटा हम एवं आसला किसी मात्रा भी कहते भारत किसी मात्रा एवं मोर इम्पोर्टेन्ट थर्ड वेव टू है जो भेरिएंट्स गुड़ा भावुच डेल्टा भेरिएंट है से गुड़िक आम बहुत केयरफुली रहा पड़ो से गुड़ाकमी आम न आसबू तेणु सबुरी आम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट एवं ता सहित आउ गोटे मन रखु जेहेतु मैंने ओडिशा रे मनसून आसीगला वर्षा एवं मशार संक्रमण हो तेणुक बहुत इम्पोर्टेंट है डेंगू डेंगू ज्वर टी बर्तमान ज्वर हेल्ले साधारण भाव में से कोविड को चिंता करेंगू विषय चिंता करूना जोड़ा कि अनुचित तेणु बर्तमान आपण मैंने भी सचेतन हवा कथा केमी डेंगू एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए और डेंगू मशा आप दिन बेला कामुड़े डेंगू मशा रात कामुड़े और डेंगू मशा गुड़िक साधारण आंठू तले को कामुड़ती उड़ी पारती तेणुक डेंगू जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर से वर्षा सीजन सर जाए आम समस्ते पालन करने कथा सार आम जी पारिपार्श्विक अवस्था रोचे तार सानिटाइजेशन केमी हम वाटर बॉडी गुड़क डिसइनफेक्ट कर मस्किटो रिपेलेंट के यूज होषय भी आम सचेतन हवा कथा और साधारण लोक भी देखा कथा कि मत ज्वर होदी नॉट दैट मु खाली एथर कोविड रही पारे हे तो डेंगू पाई पारे कारण डेंगू और कोविड ट्रीटमेंट संपूर्ण भाव में डिफरेंट आपड़ी ब्लड थिनर देदेवे डेंगू पेसेंट को ब्लीडिंग तेणु से आम साधारण भाव में भी ओके एक्जेक्टली डॉक्टर पटनायक आपण जेमती कहुथले जे कोटना कोठी याकु मध्ये चिंता करबा दरकार जेतु एबे आपण देखंतु क्लाइमेट चेंज होउछि जोंते भई नॉर्मल साधारण ज्वर मध्ये होउछि लोकंकु एबे यारि मध्ये रे जदि आपण देखिबे डेंगू मध्ये वर्तमान समय रे लोकंकु संक्रमित करूछि तेनु केबल जे कोविड को गुरुत्व दे सब को फुलिजबा ता बिल्कुल ठीक नहि सब प्रति मध्ये समस्तक सचेतन हेबाक पड़िबा डॉक्टर पटनायक हम सहित लगातार अछंती ओडिया समाज दिल्ली पैनल सदस्य डॉक्टर सहित आउरी अधिक आलोचना करिया ता पूर्व कोई रखुची जो नंबर टी स्क्रीन रे दिया जाउची बारंबार आमे कोई रखुची आपन को कोनो से भी प्रश्न रहिची आपन जो नंबर आमे आपन को दउचु से नंबर माध्यम रे आपन जोगाजोग करि परिबे तबे समय को छोटो ब्रेक रो ब्रेक नै जाउचु ब्रेक पर फेरिबा आ कुछ आलोचना करबा डॉक्टर सुरक्षा कवच आम स्वतः
स्वतंत्र उपस्थापना जारी रही जो थे आम सहित डाक्तर दिल्ली ओडिया समाज पैनल सदस्य आम सहित डॉक्टर पटनायक लगातार भाव अच्छा डॉक्टर पटनायक जमी आम आलोचना करते विशेषकर आपंती कहते केवल जे कोरोना कथ भावी आम डेंगू और साधारण ज्वर को कथ भूली जावा बिल्कुल भी ठीक ना तेज डॉक्टर पटनायक आ गोटे कथा जानवाक चाहिए विशेषकर जो मैंने दुईटी डोज नहीं जेहेतु आम जानते ये हूँ सब बड़ कथा जी आप दुईट डोज नहीं संपूर्ण रूपे नहले भी किछ ना किछ मात्रा रे हमको प्रोटेक्ट करिवो किंतु लोकक मते असावधानता कोटना कोट देखिवा को मिलुची एबे भी लोके भाबुचोंते जे आमे दुईटा डोज नै जाछ हमरो कोनोसी प्रभाव पडिबो नि सेमानक पई कोन परामर्श रहबो जो माने वैक्सीनेशन नै चंती तांको ऊपर जो वैक्सीन रो प्रभाव सेटा हुए तो हां कहार को प्रकार वैक्सीन रो 60% एफिकेसी को प्रकार रो वैक्सीन रो किछ अधिक एफिकेसी रहउची किंतु मोर और लेस आम जो प्रकार वैक्सीन नौ चु जो टाइप वैक्सीन नहींचुमशारे आम एथर डेफिनेटली एमें सियोर हो पार कि आमर जो लाइफ रिस्क रोच कोविड इनफेक्शन नहीं कि सिग्निफिकेंटली कमी जामर जोकोसी प्रकार आम वैक्सीन नहीं थे पार ना रहा आम के एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करवा खामखियाली हाँ तेणु वैक्सीन नहीं कि खामखियालीसवा कि आम वैक्सीन नहींचुपाइम किसी कौन प्रकार प्रिवेंशन प्रिकॉशन मेंटेन करूनी से सठिक मनोवृत्ति नुहे तेणु से जमा करने कथा नुहे कारण आप जो वैक्सीन टा नहीं मान नुहे आप कैरियर नुहतं तेणु आप हूं तो निजी को बचे पारती कि वायरस टाइम अगर भी बांटि पड़ता तेणुकर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपण वैक्सीन नहीं माने निश्चय मेंटेन करूँ एवं एथेर कौनसी आप हताश होगा दरकार नहीं कि इंडियन वैक्सीन नहींगली 50% एफिकेसी अच्छी 50% एफिकेसी ना सेमती कौन स्टडी बर्तमान जाए क्लीयर कट होनी जहाँ भी सब कह एक्सपेरिमेंटल स्टडीज सब एपिडेमोलोजिकल स्टडीज कारण युवा सब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चली जिनस वैक्सीन गोटे हाबाक 10-15 वर्ष लगे तेणु आम जेहेतु बर्षे दु वर्ष भितर वैक्सीन तैयारी करे तेनाली आम कहीपर कि वैक्सीन रु आमर को डेफिनेटली लाइफ प्रोटेक्शन बहुत किसी इम्यूनिटी मिलू तेनाली खुशी हवा कथा और से भरोसा रही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करवा सब बुद्धिमान काम ता मान नुहे आमको बाहर स्पुटनिक वैक्सीन मिलूँ आम यही नवानी और स्पुटनिक को अपेक्षा करवा आम कहीपर से स्पुटनिक वैक्सीन आसिक तार एफिकेसी आम बॉडी रे हो आम किसी ग्यारंटी ना कि अगर क्या कोविड इनफेक्शन न हो जाऊँ आम आतर अवस्था को पड़ो तेणु जहाँ जिते जल्दी वैक्सीन मिलूँ नहीं जावा कथा जमी आप देखते हेल्थ केयर वर्कर आम प्रथम नहीं गलु वैक्सीन जनवरी मस कौन कारण आम एक्सपोज हो तेणु आम डेफिनेटली रिस्क जेहतु अधिका अच्छी तेणु आम नहीं एप्रोप्रिएट से भाव में समस्त जो मैं वैक्सीन मिलू निजे निजे वैक्सीन नहीं जातु वैक्सीन कम्प्लीट शेड्यूल नियंतु और बर्तमान जो वैक्सीन अभाव थी से बहुत मात्रा मिटिगला जहाँ को जिते बड़े वैक्सीन मिलू जो शेड्यूल मिलू समस्ते नहीं एकदम जरूरी बिल्कुल भी समस्ते नहीं जावा जरूरी तेज डॉक्टर पटनायक आउ गोटे कथा कहवाक चाहिए विशेषकर आम देखुं राज्य में प्रतिदिन जो रिपोर्ट आसमें एज व्वज एक रिपोर्ट सामना को आसूँ जो थे कि जो मैंने 0-18 वर्ष रही अधिक मात्रा संक्रमित होती तेणु कह जाए कि ये हूँ थर्ड लहर प्रभाव विशेषकर केमती संक्रमित होती पर जो मैंने अन्य व्यक्ति रही संक्रमित होगा द्वारा ये होती ना प्रकृत में थर्ड लहर आरंभ हो गलानी ओडिशा रे एक भाविबा ना आम भावानी आम आप बाहर घर बाहर देखु बहुत लोग निजे मास्क यूज करना बहुत लोग जो मैंने निजर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करने कथ करना से भाई अवस्था से निज घर को फेरिकी जाऊँच बाहर इनफेक्शन नहीं जाऊँगी निज घर को तेणुकर आम जमा कोहल हवा कथ नुए आम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैंड हाइजीन लाइव प्रोग्राम चली छ हम सते जने कलर कॉल को छन तांको कॉल टी मध्ये आमे नै छबा जडी कलर अछंती के एवं कोनटी फोन को छन ता मध्ये जाननबा हेलो हां आज्ञा आज्ञा के कहथले कोट कहथले मो ओडिसा राउरकेला रो कहथले अच्छा आज्ञा मो कहथले जे आपन जो कहछन जे वैक्सीन मेला पर भी किछ माने ये भी पड़ी पड़े कोविड भी हो पारे आज्ञा जे जे हम जे वैक्सीन कोन पई नमु
ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ଯେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ସେଫ୍ ତା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବା। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ଆମ ଜଣେ କଲର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବୁ? ଆର ଉତ୍ତର ଆପଣ କ'ଣ? ଏକଦମ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଯେ ଯଦି ଆମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା 50% ଏଫିକାସି ଆମେ ନବୁ କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଏଥିରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନ ପାଇବା ନବୁ କାହିଁକି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ନବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କି ଧରନ୍ତୁ ଆମକୁ କୋଭିଡ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ଏବଂ କୋଭିଡ ଇନଫେକ୍ସନର ପ୍ରାୟ 80-90 ମାନେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଉଛି, 8 ଜଣ ଲୋକ ମାଇଲ୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ମଡରେଟ୍ ଆଉ ସିଭିୟର ଇନଫେକ୍ସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ରହୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଲାଇଫ ଡେଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରାମିଟର ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଏପିଡେମିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଥ୍ରେଟନିଂ କଣ୍ଡିସନ, ଯୋଉ ଜୀବନ ମରଣର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ମୋ ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଅସର ରହୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ ଧରନ୍ତୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଉଛି, ମାଇଲ୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ ବହୁତ ଅଧିକା, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଟେକିଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଏମିତି ବି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ 2ଟି ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଟୀକା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 2ଟି ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଇମ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି, ଯଦି ତା ବିଷାପିସ୍ ଆମେ କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ବିହେଭିଅର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଲେନି, ଆମେ ଯଦି ପାର୍ଟି କରିବା, ଆମେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାନି, ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଅଛି, ଯୋଉ ଭାଇରସର ଲୋଡ଼ଟା ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ, ସେ ଭାଇରସର ଲୋଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋର ବେସିକ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ମୋର କ'ଣ କୋମର୍ବିଡିଟିସ୍ ଅଛି, ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ 2ଟା ଟୀକା ନେଇଯାଇଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଅମର ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମେଡିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ମୋ ବୟସ କେତେ, ମୋର ମେଦବହୁଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଓବିସ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ସାବଧାନ ଅଛି, କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାଇରାଲ ଲୋଡ଼ ନେଇଛି, ଏ ସବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋର କେତେ ସିଭିୟର ହବ କୋଭିଡ ଇନଫେକ୍ସନ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ମାଇଲ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ରହିବି ନା ସିଭିୟର ଇନଫେକ୍ସନ କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବି। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଭିଡ ସମୟ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିହାତି ଭାବରେ, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ବିଶେଷ କରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଭୟ କୋଭିଡ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେ କୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, କୋଭିଡ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ ନା ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ ନା ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏକଦମ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୱର ହେଲା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଆମେ ଯାଇକି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ପଜିଟିଭ ଯଦି ଆସିଯାଉଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ଅଛି ଏବଂ ଆର୍ଟିପିସିଆର ବି ପଜିଟିଭ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା କଥା, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଆମର ରୋଗୀ ହିସାବରେ, ଆମର ପୀଡ଼ିତ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟି ଦେଉଛୁ କି ଆମର ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜ୍ୱରଟି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରପର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ବି ସେଥିରୁ ଲିଡ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଟା କୋଭିଡ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ନା ଆଉ କୌଣସି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ 2ଟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରପରଲି ଜାଣିକି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ ହୋଇକି 2ଟି ଜାଗାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଏବଂ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ମେଡିସିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା।
ओके नियति तबे डॉक्टर पटनायक आउ एक प्रश्न रही जो मैंने देखुवे नियति मन में प्रश्न रही है जेहेतु जड़े कोविड द्वारा संक्रमित परवर्त समय से डेंगू द्वारा संक्रमित होती जनक केते थर से संक्रमित होबार चान्सेस थाए कहीं आम देखी जनक थे पुणी थे संक्रमित होती पुणी डेंगू द्वारा संक्रमित होती एमती जनक केतर संक्रमित करें जदि रोगटी संपूर्ण नुआ तेरे एमती बारंबार संक्रमित होबार संभावना रोचे कि जनक ये संभावना बढ़ी जाऊँगी जो मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना थी किंबा जो मैंने निजरो डेंगू टू केमती निवृत्त हो जनरल सैनिटाइजेशन मेंटेन करना थी तेणु कर बार बार से पूर्ण छेद करने ये सब प्रॉब्लम लोक तीन थर चार थर कोविड इन्फेक्शन हो जाऊँच बिकज से गोटे थर है कहते हाँ मोर इम्यूनिटी होगा मुझ वैक्सीन नहीं गले मोर आ कोविड हबनी से कोहल हो जाऊँच कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रु जोटा कि ठीक नुह से भाया भी आम डेंगू विषय भी जान लापरें केयरफुल रहा पड़ो आम देखा पड़ो जमी डेंगू मस्किटो आम घर चारिपटे जेहेतु बर्षा दिन पा व्टर लगिंग किसी रोक थे जाना दरकार कि डेंगू मस्किटो साधारण भाव में दिन बेला कामुड़े तेणु यही सब जिनस गुड़िक विषय में नलेज जेनेल नलेज रहा साधारण प्रिकसन मेन्टेन कले डेफिनेटली बार बार हेनी आदि आम साधारण प्रिकसन मेन्टेन करूने ताले तो जमी थंडा ज्वर बार बार जो प्रॉब्लम रोगटा जमी बार बार ये भी बार बार हम गोटे कथा जे आमे देखु चंती जे जदी कोविड जने संक्रमित होउची परवर्ती समय डेंगू द्वारा संक्रमित होउची सिम्पटम्स पूरा सिमिलर ना किछ डिफरेंट रहउची काहे कि ना जडे केमते जानिबो जे से कोविड द्वारा संक्रमित आमे टेस्ट नकले केमते जने जानि परिबो विशेष कर टेस्ट करिया जदी गुरुत्वपूर्ण किंतु डेंगू एवं कोविड भितरे सिम्पटम्स किछ भिन्न थाय किछ नुवा लक्षण एमते रहि थाय कि नुवा लक्षण अछि जो प्रकार जरो आसिला जो समय रे जरो आसिला एवं साधारण भाबरे हम देखिया गले कॉमनली आमको कोविड रे चेस्ट पल्मोनरी सिम्पटम्स गुड़िक बेस था कि आमर जो झाड़ा एवं घास हवा एवं नाकर जो स्मेल एवं टेस्ट युवा एफेक्टेड हवा युड़िक साधारण कोविड रे मोर कॉमनली देखा जाए व्हेरस डेंगू रे जो ज्वर आसे सी एटा डिफरेंट पैटर्न ज्वर एवं एथिरे साधारण भाव में कोल्ड एवं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो झाड़ा एकार सिम्पटम्स डेंगू रे साधारण भाव में देखा जाए तेणुक साधारण भाव में ज्वर इनिशियली भाविले आम वर्तमान चारिड़े भावचे ज्वर है मानते कोविड है तेणु यही अवेयरनेस जी दरकार सहित भी आम जाटिया दरकार के गुरुत्वपूर्ण परामर्श देते दर्शक बंधु आम सहित प्रतिदिन दिन तीन टाइम जड़े जड़े अभिज्ञ डाक्टर जोड़े जो ओडिया समाज दिल्ली पैनल सदस्य कौन सी प्रश्न रही रोग को नहीं आपण सदासक पचारि परबे विशेष करि जा डॉक्टर पटनायक कहुतले जे जे कोनोसी रोग होना काई कि आपण जम्मा भी असावधानता नियंतु नाही एवं जम्मा भी अबळा करंतु नाही काई कि ना वर्तमान सीजन चेंज होउची साधारण ज्वर हे पारे डेंगू मध्य हे पारे एवं कोविड मध्य हे पारे तणो सबबळे मास्क परिधान करंतु सामाजिक दूरता अवलंबन करंतु एवं सैनिटाइजर मध्य व्यवहार करंतु तबे समय सरी छी हम स्वतंत्र उपस्थापना को एट रखुछु नमस्कार।